हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो स्टैटिक की श्रृंखला चल रही थी भारत के पड़ोसी देश, उसी को लेके आए भैया। और आज की कड़ी में आज हमारे साथ देश जो है उसका नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान नाम है। इससे पहले हमने 4 वीडियो स्टैटिक के बनाए हैं देशों के बारे में, छोटे छोटे वीडियो, इनको देख लो। और आज से हो सकता है कि वीडियो और थोड़ा 1-2 ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा, और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये क्या है बच्चा? भूटान। क्या नाम है? भूटान। और भूटान के बारे में बात किया जाए तो आप देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक क्या है, भूटान। और भूटान की बात किया जाए तो भूटान जो है बच्चा वो 3 ओर से क्या किए हुए भैया? घेरे हुए है। 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? भारत से। भूटान की बात की जाएगी तो भूटान 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? भारत से घिरा हुआ है। आप मानचित्र में देखने का प्रयास कर सकते हो। हम भूटान की बात करें तो ये आपका ये वाला क्या है भैया? ये आपका क्या है? भूटान। मानचित्र में आप देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है? भूटान। ये पूरा का पूरा क्या है? भूटान है बच्चा। अब आप देखो भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से आप देखोगे इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है भैया, इधर से घिरा हुआ है, और इधर से, इधर से, इधर से भी है, और ऊपर से देखोगे चाइना से है। कौन है? चाइना है। तो ऊपर से कौन है भैया? चाइना है। और भारत क्या है भैया? 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? भारत से घिरा हुआ है, और ऊपर से किससे है? चाइना से। तो पहला फैक्ट क्लियर हो गया कि 3 ओर से कौन घिरा हुआ है? भूटान। दूसरी बात और बताते हैं आपको, दूसरी बात आपको ये बताते हैं कि ये जो भूटान है, ये जो भूटान है बच्चा, इसके बारे में बात करें तो आपको समझना होगा कि ये जो भूटान है ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता। कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को करता है। सबसे पहले राज्य की बात करें तो किसको करता है? सिक्किम को। एक नंबर कौन होगा? सिक्किम होगा। मानचित्र में आप देख सकते हो एक नंबर कौन है? सिक्किम है। 2 नंबर की बात करें बच्चा तो 2 नंबर में आपका क्या होगा भैया? पश्चिम बंगाल। कौन होगा? पश्चिम बंगाल होगा। तो हमने कहा पश्चिम बंगाल को भी कर रहा है, सिक्किम को कर रहा है, ठीक है भाई। हमने कहा बच्चा 3 नंबर, और 3 नंबर की बात करेंगे तो 3 नंबर में आप देखने का प्रयास करो तो हमने कहा असम है। कौन है? असम है। 3 नंबर कौन है? असम है। और बच्चा बात करें 4 नंबर की तो 4 नंबर में आप देख सकते हो कि 4 नंबर में किसको कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश को। तो बात किया जाए कि भूटान जो भारत का पड़ोसी देश है ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बोलो भाई, भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है, भारत इसको 3 ओर से घेरे हुए है भैया। और तीसरी बात करते हैं तो इसके कितने राज्यों से भारत सीमा बनाता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत के 4 राज्यों को स्पर्श कौन कर रहा है? भूटान, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये बात हो गई। भूटान एक क्या है बच्चा? लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है स्थलबद्ध देश है। भूटान कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है बच्चा। आप देखने का प्रयास करोगे ये जो भूटान है, ये जो भूटान है इसके चारों तरफ कहीं पर भी भैया पानी वाला क्षेत्र नहीं है। चारों तरफ इसके क्या है बच्चा? जमीन है। इसके चारों तरफ क्या है? जमीन पाई जाती है, स्थल पाया जाता है बच्चा। चारों तरफ इसके क्या पाया जाता है? स्थल। इसके भैया चारों तरफ क्या है? स्थल है, इसीलिए भूटान को कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश कहते हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भूटान कैसा देश है बच्चा? स्थलबद्ध देश। कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, ये कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें बताते हैं। देखो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं आपने देख लिया? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और कौन है? सिक्किम है। सिक्किम के अलावा असम है, और असम के अलावा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ के बारे में कुछ और बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है बच्चा? यहाँ के पीएम कौन है? लोतोय। इनका नाम क्या है? लोतोय तेसी रिंग नाम है इनका। लोतोय तेसे रिंग करके नाम है इनका। और बात करें इनके बारे में, कहा जाता है यहाँ राजतंत्र है। क्या बच्चा? राजतंत्र। प्रधानमंत्री तो है भैया, ये बात करें प्रधानमंत्री तो है इनके यहाँ, लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति का पद होता है ना, तो यहाँ राजा होता है। क्या होता है? राजा। तो यहाँ आज भी क्या है? राजतंत्र वाली व्यवस्था। क्या है? राजतंत्र व्यवस्था। थोड़ा सा भूटान को पढ़ेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से बना हो, ये प्रकृति पर ज्यादा निर्भर है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल रूप से बढ़ा नहीं। अब आप सोचो भूटान में अभी हाल ही में बताते हैं 2012 के आसपास यहाँ पहला सिनेमा घर बना है। सोचो
कितना पीछे है, है ना, ताकि जब हमने पिक्चर देखी जाए अब बनी है तो बहुत पीछे है। इसकी राजधानी की बात किया जाए क्या है, थिम्पू है। क्या है, थिम्पू है बच्चा। और याद रखना ये किसका सार्क का सदस्य है, ये लिख लेना भाई। भूटान जो है किसका सदस्य है, सार्क का भी क्या है, सदस्य है। इसकी राजधानी क्या है, भूटान की क्या है, थिम्पू। क्या है बच्चा, थिम्पू है। और भैया बात करें इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा क्या है, तो क्या है, नुगू टम। क्या नाम है, नुगुलटम। क्या नाम है, नुगुलटम। इसकी राजधानी क्या है, नुगुलटम है। क्या है, नुगुलटम राजधानी है और मुद्रा है। इसकी मुद्रा क्या है, नुगुलटम है, और राजधानी क्या है, थिम्पू है। क्या नाम है, थिम्पू है। इसकी दो राजधानियां बड़ी चर्चा में रहती है, एक पारो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है बच्चा। पूछ लिया जाए पारो, पारो के बारे में बात करें, वो पारो नहीं देवदास वाले, पारो के बारे में बात किया जाए तो पारो जो है बच्चा इसकी क्या है भैया, सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे भारत उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, बनारस। क्या है, बनारस है बच्चा। उसी तरह से बात करें इसकी सांस्कृतिक राजधानी क्या है, पारो। और राजनीतिक वाली बात किया जाए तो कौन होगी, थिम्पू। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, और पारो क्या है, सांस्कृतिक राजधानी। दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं और आगे कुछ बातें और बताते हैं भैया भूटान के बारे में, तो आप समझते रहो, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि भूटान जो है, देखो भूटान की बात करें राजधानियों में स्थलबद्ध देश है, ये बात तो मैंने पहले ही बता दी, स्थलबद्ध देश है। हाँ, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, इसका एक नाम पूछा जाता है कि भूटान को और किस नाम से जानते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर बादल क्या होते हैं, फटने की घटना बहुत ज्यादा होती है, और बादल फटने के कारण क्या होता है, बारिश बहुत होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं। इसी को कहा जाता है तड़ित झंझा। क्या बोलते हैं, तड़ित झंझा का देश बोलते हैं। पूछा जाए तड़ित झंझा का देश किसे बोलते हैं, तो भूटान को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, भूटान को बोलते हैं तड़ित झंझा का देश। ऐसे क्या बोलेंगे, लैंड ऑफ क्या है, थंडर ओल्ट बोलते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ बादल बादल बहुत ज्यादा फटते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। पारो इसकी क्या है, या क्या है पारो इसकी क्या है, सांस्कृतिक राजधानी की तो हम पहले बता चुके हैं। यह है प्राकृतिक देश है, प्राकृतिक देश का मतलब हमने कहा ना, पर्वत पहाड़ नदियां झील ऐसा देश है, प्रकृति पर बहुत निर्भर है, ज्यादा ये टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है बच्चा, तो समझ सकते हो। आगे चलते हैं और कुछ बातें बताते हैं भाई, इतना समझ में आ गया भाई। आगे चलते हैं अगले पेज पर, अगला पेज और बताते हैं आपको। देखो बात क्या जाए भूटान के बारे में, इनकी प्रमुख भैया नदी कौन सी है, तो इनकी प्रमुख नदी कौन है, मानस। यही मानस नदी है जो आगे आके क्या करती है बच्चा, आगे आती है कहां पर भैया, तो ये मानस नदी आती है असम में, यहीं से आती है, भूटान से होते हुए असम में आती है, और असम में इसी नदी के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान है। याद होगा आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में है, और इसी नदी के किनारे। तो मानस कहां की प्रमुख नदी है, भूटान की। कहां की है, भूटान की है, तो वही मानस नदी। यहां पर ब्लैक पर्वत, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, ब्लैक पर्वत कहां पाए जाते हैं, भूटान में। ब्लैक पर्वत कहां पाए जाते हैं, भूटान में। कह देता हूं व्हाइट पर्वत कहां पाए जाते हैं, सफेद पर्वत कहां पाए जाते हैं, कमेंट करके बताओ भाई। आगे चलते हैं, भारत के सहयोग से। अब देखो ये क्या है बच्चा, यहां पर क्या होता है, बादल फटने जैसी घटनाएं होती, यहां पर बादल फटने जैसी घटनाएं होती, तो पानी बहुत ज्यादा होता है, और नदियां क्या होता है, बहुत तेजी से बहती, नदियां बहुत तेजी से बहती है बच्चा। तो यहां पर टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो भारत ने कहा सुनो अच्छा, तुम टेक्निकल पैसा रुपया हम लगाए देते, तुम्हें यह कहा बनाए दे बांध, और बांध बना के क्या बना रहा है, बिजली। तो भारत की बहुत प्रमुख परियोजना है एक ताला परियोजना, पेपर में कई बार पूछी गई है ताला परियोजना, पूछेगा कि ताला परियोजना और चूखा परियोजना, कौन सी परियोजना भैया, ताला और चूखा। ताला और चूखा परियोजना कहां चलाई जाती है भैया, ताला और चूखा परियोजना की बात किया जाए तो ये कहां चलाई जाती है, भूटान में। और किसके सहयोग से चलाई जाती है, भारत किसके सहयोग से चलाई जाती है, भारत के सहयोग से चलाई जा रही, कौन सी, ताला परियोजना, कौन सी, ताला परियोजना चलाई जाती है। आगे बात करें भैया इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत की। भूटान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लिए है बच्चा, कौन लिए है, भारत, कौन लिए है, भारत लिए। अब आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं, समझना है यहां से, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत कैसे लिए है। देखो भूटान को आप देखने का प्रयास करो, देखो सबसे पहली बात करें भूटान के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ये जो भूटान है, ये जो भूटान है बच्चा,
ये क्या है, ये पूरा का पूरा भूटान है, समझ रहे आप। अब नीचे क्या है, भारत है, और ऊपर देखोगे तो इधर इधर क्या है, चाइना, इधर कौन है, चाइना, इधर कौन है, चाइना है। अब समझना, भूटान में क्या है बच्चा, भूटान की सुरक्षा मतलब सेना की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाए हुए, भारत उठाए हुए। इनके विदेशी मामले जो होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी कौन उठाए हुए, भारत, नहीं इनको जीना मुश्किल हो जाए बच्चा। चाइना इस पर एक बार क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, चाइना इस पर क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, समझना। भूटान के बारे में बात किया जाए तो चाइना जब इस पर कब्जा कर रहा था तो एक बार चाइना क्या हुआ, यहाँ आया, भूटान से कहा तुम हमारा साथ दे दो, तुम्हारे अंदर से हम क्या करें, तुम्हारे यहां से क्या करें, एक रास्ता बना ले, और रास्ता बना के कहां जाएंगे हम, भारत, कहां जाएंगे, भारत जाएंगे। तो भूटान के जो राजा रहे वे कहें कि यदि भारत पर तुमको हमला करना तो पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, ऐसे तुम भारत के अंदर हमारे जिंदा रहते हुए नहीं जा सकते, बंदूक लेके खड़े, मतलब सोच लो कितने अच्छे संबंध है भारत से। दूसरी बात समझना, चाइना का ये उद्देश्य क्यों है, भूटान को अपनी तरफ मिलाने का बहुत प्रयास करता है, भूटान को अपनी तरफ मिलाने का बहुत प्रयास करता है, कौन बच्चा, चाइना, कौन करता है, चाइना। क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है चाइना चाहता है कि भारत का ये वाला क्षेत्र क्या करता है, काट दे, और काट देगा तो ये पूर्व उत्तरी जो भारत है, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए भूटान क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, चिकन लेग बोलते हैं इसी की, है ना। तो ये वाला हिस्सा क्या सोच रहा है चाइना, क्या सोच रहा है कि ये वाला चाइना यदि भूटान से यहाँ आ जाए, यहाँ पर हम निगरानी रख ले, तो ये वाला हिस्सा काट देंगे तो भारत इतना ही बचेगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हम कब्जा कर सकते हैं। ये किसके दिमाग में चल रहा है, चाइना के दिमाग में चल रहा है। तो आपने शायद डोकलाम का नाम सुना होगा बच्चा, डोकलाम का नाम सुना होगा, तो डोकलाम का नाम आपने सुना होगा तो क्या हुआ था, डोकलाम की कहानी आपको बताते हैं बच्चा। एक बार क्या हुआ, ये चाइना ने क्या किया बच्चा, ये जो चीन है कहां पर भैया, यहां पर डोकलाम में, यहां पर क्या बना रहा था, सड़क, क्या बना रहा था, सड़क। डोकलाम जो है बच्चा उठा हुआ मतलब ऊंचाई पर स्थित है, यहां पर सड़क बनावत रहा तो भारत तुरंत पहुंच गया। भारत ने तुरंत क्या किया, अपनी सेना भेज दी, कहां भेज दी, डोकलाम में सेना लगा दी थी बच्चा, और सड़क बनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो चीन चुट्टा पूछ रहा भारत से, तुम यहाँ कहा कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कौन सड़क बना रहे का, तो भारत कह रहा तुम आए का, डोकलाम तुम्हारा है का, तो ये तुम कहा कर रहे हो। तो भाई पूछा गया कि भूटान वाले तुम कहा चाह, भूटान वाले कहते देखो जो भारत कही हम वह बात मानब। तो डोकलाम से किसे खेदा गया, फिर चाइना को खेदा है, चाइना यहाँ पर चाह रहा है कि हमारा क्या हो जाए, अधिकार हो जाए, और यह वाली खोपड़ी भारत की का करी, काट दे। अरे इस चुट्टक ये नहीं पता है कि भारत की खोपड़ी तुम कैसे काट सकते हो, हम सनी देओल टाइप के आदमी है भैया, हमको कोई क्या कर सकता है, काट नहीं सकता, ये जान लो, ठीक है ना। छोटी छोटी आंखें ले जो घूमा करो ना, आंखें फोड़ डाला, समझ रहे हो, ये भूटान समझ रहे हो ना। तो भूटान कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ हमारे मैत्री पूर्वक संबंध है। तो भूटान से हमारे संबंध कैसे बच्चा, मैत्री वाले संबंध, दोस्ती वाले संबंध है, और भूटान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाता है, भारत उठाता है। अब आगे चलते हैं, अगले कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो देख सकते हो आप, ये सहयोग से कौन सी ताला परियोजना चलाई गई और चूखा परियोजना चलाई गई। देखो भारत इनके क्या बांध बना रहा, बिजली पैदा कर रहा, और भारत इसे कहा गया बिजली हम तुमसे खरीदा, मतलब बिजली जो है भारत इससे क्या कर रहा है, खरीद रहा है, पैसे देता है, बिजली खरीदता है और क्या देता है, पैसा देता है, कहता है गरीब देश है। सोचो भारत है तो सब तरह सीमेंट मोरंग ईटा सब बनाई जाए, अपनी टेक्नोलॉजी लगाए, बिजली बना, भारत चाहे तो फ्री में ले ले, लेकिन भारत इनको क्या देता है, पैसा देता है। भारत जो है एक रुपया की बेईमानी किसी के साथ नहीं करता, तो भारत इनको क्या देता है, पैसे भी देता, पैसे से बिजली खरीदता है। बात किया जाए अगले प्रश्न की, और अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के पास है। डोकलाम अभी हमने बताया, डोकलाम भूटान का हिस्सा, और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डोकलाम इसका हिस्सा, तो कभी जाने टिक मार दिन भारत, अरे विवाद भारत चाइना के बीच जरूर हुआ, लेकिन डोकलाम है कहां पर, भूटान, डोकलाम कहां पर है, भूटान है। और बच्चा यहां भूटान में जो लोग रहते हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और इनके यहां सबसे बड़ी समस्या है आप समझना, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत सीधे होते, बहुत सीधे, लड़ाई झगड़ा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए बहुत शांत प्रिय देश है। लेकिन इनके यहाँ एक जो बच्चा आपको बताऊं ना चाहिए, आर्थिक विकास की माप जो है, आप लोग देखिए आर्थिक विकास की माप हम लोग देखते हैं क्या, उन्हें आधार पैसा रुपया कहीं के पास, इधर पूरी दुनिया यही पर कर रहे, ये किस पर करते हैं आर्थिक विकास, खुशहाली पर, पैसा रुपया नहीं, को कितना खुश है, को बढ़िया जीवन काट रहा है, ये प्रकृति पर बहुत, पर्वत में बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाए घंटा तपस्या कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे है। और ये अपनी जो आर्थिक विकास की माप किस पे कराते हैं, खुशहाली के आधार पर कराते हैं। तो ये किसके बारे में मैंने बताया,
बच्चा, या हमने आपको भूटान के बारे में बताया और भूटान के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास किया बच्चा, और ये सभी जानकारियां आपके लिए काम की होंगी पेपर के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और आज जो है लाइव 9 बजे जरूर आए, क्योंकि आज हो सकता है कि 3-4 घंटे क्लास लें। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।